गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, बुक पाठ स्वागत है। पाठ का नाम है धरती की आंखें। एक कहानी है, एक राजा की कहानी। अब देखो बच्चों, कहानी हो गई, पेज नंबर 26 निकालो। 26 देखो, पढ़ो, ये लिखे बच्चों आप लोग पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत कीजिए। इस पाठ का नाम धरती की आंखें क्यों रखा गया होगा? ఎందుకు పెట్టారు? अब पढ़ो, पाठ पढ़िए, कारण बताइए। राजा के विवाह से सभी खुश थे क्योंकि उपग्रह सचमुच धरती की आंखें हैं। क्योंकि ये क्योंकि का शब्द उपयोग करते हुए वाक्य बनाना। पढ़ो, क्योंकि इसका उपयोग करना। पुस्तक में लिखो, देखो, राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। अभी क्योंकि इस्तेमाल करना, प्रयोग क्योंकि अनुप्रदान। क्यों खुश थे? राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। राजा क्या करता था कि रात में सपना देखता था, सवेरे अपने दरबार में आकर सभी को सुनाता था, अपना सपना पूरा करने के लिए रहता था और जितना चाहे उतना खजाना सब लोगों में बांट देता था, है ना? तो क्योंकि राजा खजाने का मुंह खोल देता और उन्हें सम्मानित करता और राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। क्योंकि क्यों खुश थे? क्योंकि राजा खजाने का मुंह खोल देता और उन्हें सम्मानित करता। ओके बच्चों, दूसरा देखो, उपग्रह सचमुच अब यहां पर उपग्रह सचमुच धरती की आंखें हैं। क्योंकि क्यों? क्योंकि यहां पर भी क्योंकि आ रहा है। क्योंकि वे देख लेते हैं, नजर बड़ी तेज होती है,
जानते हैं क्योंकि वे देख लेते हैं, इसकी नजर बड़ी तेज होती है। समझ आया ना बच्चों? ठीक है, अब रहा देखो पाठ पढ़िए। आ देखो ये आ लिखे ना, आ देखो पाठ पढ़िए, इसलिए शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य फिर से लिखिए। अब रहा इसलिए, यहाँ पर पढ़ो में क्योंकि पढ़े ना। अब आगे देखिए बच्चों क्या क्या होगा। इसलिए यहाँ क्या करना चाहिए हम लोगों ने, इसलिए इसलिए शब्द का उपयोग करना चाहिए। राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। राजा के यहां देख बेटो, राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। इसलिए राजा के व्यवहार से सभी खुश थे, इसलिए वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। अब यहाँ पर देखो इसलिए आया ना, यहाँ पर राजा के व्यवहार से सभी खुश थे। इसलिए क्यों खुश थे? इसलिए वे राजा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। खुश थे इसलिए कावटी संतोष मंडल कावटी राजूदार कोसम एवं चेयर ऐसे वाक्य तुम्हें बनाना है। चांद ने राजा की सहायता की, अब यहां पर क्या लिखना चाहिए हम लोगों ने, इसलिए शब्द का प्रयोग करना चाहिए कि इसलिए छिपी नहीं रहती। ये रहा वाक्य, ये क्या है? इसलिए शब्द से वाक्य बनाए, इसलिए शब्द से वाक्य बनाए। इन उपग्रहों की नजर तेज है, इसलिए इनसे कोई बात छिपी नहीं रहती। ये बच्चों अब उसके बाद देखो लिखो, ये देखो नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। राजा की जगह यदि आप होते तो क्या करते? सपनों को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? ये दो प्रश्न आपको लिखना होगा, लिखना होगा। शब्द भंडार देखो, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए वाक्य प्रयोग के लिए। ये नीचे है ना शब्द, उसके वाक्य प्रयोग भी लिखना चाहिए आपको।
में पर्यायवाची शब्द समाचारों को
समाचारों को दूरदर्शन द्वारा देश विदेश हमें देश विदेश संबंधित समाचारों को दूरदर्शन द्वारा सूचना मिलती है। आगे देखो तो सृजनात्मक अभिव्यक्ति सपने सपने के बारे में कविता की रचना की थी। आप लोगों को सपना था, उस सपना को कोई कविता के रूप में बताना चाहिए। मैं बताती हूँ, करती हूँ, सुनिए आप भी आपके ओन एक कविता लिखिए। दूसरा पाठ में बताया गया कि अब उपग्रह शिक्षक वाले काम कर रहे हैं, वे शिक्षक के रूप में क्या क्या काम कर सकते हैं सोचकर देखिए। अब ये उपग्रह शिक्षक होता अध्यापक क्या काम भी करते हैं, ये कैसे करते हैं सोचकर आप लोग लिखिए। और इनकी बात दूसरी कविता मैं पढ़ती हूँ, ऐसी ही कविता आप लोग बनाइए। वो क्या है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति। देखिए अपने सपने के बारे में कविता बनाओ सुनाओ। आपको जो सपना आता है ना, वो सपना कविता के बारे में कविता बनाना, उसके बारे में लिखना। आपको जो सपना आया या नहीं आया छोड़ दो, ऐसा एक कविता लिखो। मुझे आता है रोज एक सपना, मुझे आता है रोज एक सपना, उसमें रहता है दो सपना। वाओ, मुझे एक सपना आता है, उस सपने में मेरा दोस्त आता है। कौन आता है, मेरा दोस्त आता है। मुझे आता है रोज एक सपना, उसमें रहता एक दोस्त में अपना, एक दोस्त अपना। कहता मैं सफेद रहता हूँ, कैसा रहता हूँ सफेद, वो कहता रहते मैं सफेद रहता हूँ, रोज रात में तुमसे बातें करता हूँ। मैं सफेद रहता हूँ, रोज तुमसे मैं बातें करता हूँ, रोज रात में तुमसे बातें करता हूँ। कहता है मैं तारों के बीच रहता हूँ, और क्या कहता है दोस्त, मैं तारों के बीच रहता हूँ, तारों के बीच रहता हूँ। तुमसे बहुत दूर रहता हूँ, तुमसे तो दूर रहता हूँ, मैं बहुत दूर रहता हूँ। दिन के समय में चुप रहता हूँ, दिन में दिखता क्या चांद दिखता ना तारे दिखते, दिन के समय में छुपा रहता हूँ। रात होते ही निकल आता हूँ, दिन में छुपा रहता हूँ, रात में निकल आता हूँ। कभी कभी चांदनी बरसाता हूँ, कभी कभी चांदनी, चांदनी अंटे चंद्रनी वेनेला, वेनेला पुलिसता हूँ। कभी कभी छुप जाता हूँ, मैंने पूछा कि कौन है तू, मैंने पूछा कि कौन है तू, उसने कहा कि चांदू मैं, उसने कहा कि चांदू मैं। ऐसा सपना क्या, मुझे एक सपना आता है, उसमें मेरा दोस्त आता है, वो दोस्त कहता है कि मैं तुमसे बहुत दूर हूँ, रात में छिप जाता हूँ, दिन में सारी दिन में छिप जाता हूँ, रात में निकलता हूँ, मैं सफेद हूँ, तारों के बीच में रहता हूँ, बताओ बताओ मैं कौन हूँ, मैं चांदू हूँ। ऐसा सपना है। आपको भी कोई सपने की वैसी कविता लिखना चाहते हैं तो एक कविता लिखिए आप लोग। ओके बच्चों, धन्यवाद बच्चों आज के लिए पाठ है। अगला पाठ कल लिखेंगे, तो पूरा नोट्स लिख लीजिए आप लोग।